नमस्कार, न्यूज वन क्लिक में आपका स्वागत है। देवास में आए श्री सुधांशु जी महाराज, भक्तों की उमड़ी भीड़। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज ने देवास के प्रताप नगर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर गार्डन का भूमि पूजन किया। यहाँ उन्होंने पौधारोपण भी किया और भक्तों को आशीर्वचन दिए। सुधांशु जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। स्मरण हीन जनो जगन, उन्होंने कहा कि आप सब अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन गुण से धन्य होगा, बल से धन्य होगा, धन से धन्य होगा, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नारायण हीन जनो जगन्य, दुनिया में जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है वही दुनिया में सबसे ज्यादा गया बीता है, क्योंकि मनुष्य को जो मनुष्य की देह मिली है ये इन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए देह मिली है, और अगर वहां तक हम नहीं पहुंच पाए तो फिर ये जीवन जो है ये निरर्थक चला गया। इसी के लिए जीवन मिला, और इसके लिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। एक है स्तुति, एक है जप, एक है संकीर्तन। इनका महत्व तो जरूर समझ लीजिए। जप जो है परमात्मा के नाम को जपना, जो देखने में हम लोगों को सिर्फ दो या तीन के विषय में पता है, लेकिन 14 तरह का जप होता है, 12 तरह के तप होते हैं। लेकिन आपके सामान्य लोगों के लिए जो स्मरण रह सके वो जो जप है, पहला कहलाता है वाचिक जप, जब आप बोल बोल कर जाप करते हैं। शुरुआत में बोल के कीजिए, बाद में उपांशु जप आ जाता है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। बोलते बोलते आप अपनी आंखें बंद करें, जाप करते करते आप उस स्थिति में आ जाएं कि इतने प्रेम पूर्ण हो जाएं कि आपके होठ हिले, शब्द उच्चारण हो लेकिन आवाज किसी और तक न जाए, बस आप ही सुने, और धीरे धीरे अपने अंदर लीन होने लग जाएं, भीतर खोने लग जाएं। और जैसे जाप करते करते आप और आगे बढ़ते हैं, तब एक स्थिति आती है जिसको बोलते हैं मानसिक जाप करना। आपकी माला चल रही है, पहली उंगली प्रयोग में नहीं लाई जाती, आखिरी उंगली भी प्रयोग में नहीं लाई जाती, बीच की दो उंगलियों को और अंगूठे का साथ लेकर के माला जपी जाती है। तो जब आप जाप कर रहे हैं तो वाचिक जाप और उपांशु जाप तक माला आपकी चल रही है, तीसरे जाप तक पहुंचते पहुंचते आप बाहर की माला भूल जाएंगे, अंदर की माला चलेगी। फिर मानसिक रूप से अंदर अंदर जाप चल रहा है, आपको लग रहा है कि अंदर भीतर से माला चल रही है और मैं अपने प्रभु के निकट होता जा रहा हूं। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में एक शब्द, एक सूत्र दिया, तज्जपस तदर्थ भावना। जो हम लोग जाप करते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जप वैसी भावना। जब तक भावपूर्ण नहीं होंगे तब तक आपके जाप का लाभ आपको नहीं मिलता। मतलब अगर आप भगवान शिव का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि शिव का अर्थ होता है जो कल्याण करता है, जो भला करता है, जो हित करता है, जो मंगल करता है, कष्टों का निवारण करता है, जो संकट मोचक है। दुनिया में कोई और संकट के समय तुम्हारे नजदीक हो ना हो, लेकिन जो हाथ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी साथ रहता है, तो उसी का नाम है शिव। तो उस शिव के नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ,
तो जब आप उस अपने इष्ट देव का जाप कर रहे हो, शिव नाम जैसे लिया तो ओम नमः शिवाय बोलते समय मैं अपने प्यारे ईश्वर को नमन करता हूँ, तो ऐसे बोलते बोलते आप भावना बनाए और फिर अपने अंदर लीन होकर खुद में खो जाए, भीतर जाप चलता रहे। और एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि जब आप अपने तीसरे नेत्र में त्रिपुटी में इतने लीन हो जाए कि आपको अपनी होश ना हो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब होता है कि माला सीढ़ी थी जिसका उपयोग आपने किया, उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आप मंजिल तक पहुंच गए, अपने इस स्थान में जो भाग्य चक्र है आपका, इसे भाग्य चक्र बोलते हैं, इस जगह जब आप स्थिर हो गए और शांत हो गए तो आप कनेक्ट हो गए अपने सोर्स से, अपने स्रोत से आप संबंधित हो गए। अब वहां जो बह रहा है वो आपको मिलना शुरू हो गया, तो मिलेगा पहले शांति मिलेगी, आपके भीतर शांति आएगी, तृप्ति आएगी, और फिर धीरे धीरे मिठास भूलेगी, और फिर होठों पर मुस्कुराहट आते आते आप भीतर से आनंदित अनुभव करेंगे। तो इसका मतलब होता है आप चार्ज होने लगे। जब आप चार्ज होने लगे हैं तो ये अमृत बरसता है आपके अंदर, इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो किसी के लिए भी अगर प्रार्थना करने के बाद उठ करके मंगल कामना करता है तो उसका आशीर्वाद फलता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अपनी प्रार्थना में उठने के बाद अपने घर की तरफ दोनों हाथ ऐसे करके अपने घर को ब्लेस करना चाहिए। घर को ब्लेस करें, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस माय होम, माय फैमिली। आप जो ऐसे हाथ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आशीर्वाद आप पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर बरस रहा है। मेरे घर में सुख शांति रहे, सबकी बुद्धि सुबुद्धि रहे, प्रभु सब आपके मानने वाले, आपकी ओर चलने वाले हों, इनकी वाणी में परमात्मा तुम बैठना। क्योंकि जब किसी की वाणी गड़बड़ होती है, जीभ पर जब दरिद्रता आती है, तब आदमी अपशब्द बोलेगा, कड़वे वचन बोलेगा, झगड़ने वाले वचन बोलेगा, तो उसका मतलब दरिद्रता घर में प्रवेश कर गई। जब एक दूसरे को घटाने में लगेगा तब दरिद्रता प्रवेश करती है। जब भीतर में जलन आती है दूसरे का बढ़ती हुए तरक्की देखकर, तो दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। और जब आदमी कहता है कि भगवान अगर इसको दे रहा है तो हो सकता है अगला नंबर मेरा ही हो, भगवान मुझ पर कृपा करे, तो मैं इसके लिए भी भलाई की कामना करता हूँ और अपने लिए भी मंगल कामना करता हूँ। तो आप मंगल कामना करना, तो आप पर कृपा जरूर होगी। तो हम लोग रोज ही चर्चा होती है, आप लोग रोज सुनते हैं, तो यहाँ तो आप लोगों से मिलने के लिए हम लोग आए हैं, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से आपके सामने मुझे बैठाएंगे ला करके। मुझे तो दौड़ाते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे घुमाते घुमाते ला रहे हैं, इतनी गलियाँ मुझे दिखा दी उन्होंने। तो फिर कभी लंबी चर्चा के लिए हम लोग बैठेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी सुखी रहे, आनंदित रहे, ठीक है। और बहुत लंबे समय बाद में आप देवास की जनता के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे। देखिए, ये शक्ति माता का स्थान है, जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का स्थान है, तो यहाँ पर भक्ति और शक्ति दोनों का मिलान दिखाई देता है। मैं मंगल कामना करता हूँ कि देवास फले फूले और जगदम्बा माँ का आशीर्वाद लेने लायक बने। आप सबके लिए बहुत हताशा बहुत हो रही है, थोड़ी थोड़ी बातों में सुसाइड केस आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अवसाद की स्थिति आ रही है, ऐसे में मतलब एक सदगुरु के नाते आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष करने की शक्ति जोड़नी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि चुनौतियाँ तो हर दिन सबके सामने आती है। जितना साहसी होगा उतना आगे बढ़ेगा, कमजोर बनने से जो है आत्मविश्वास को तो अपने भीतर से जगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए,
समस्याओं के प्रति जागना चाहिए। जितना हम जागृत होंगे, हिम्मत बनाएंगे, लड़ने की कोशिशें करेंगे, समस्याएं भागेंगे। और अगर हम उनसे डर कर भागेंगे तो समस्या हर जगह हमारा पीछा करेगी और हम जीत नहीं पाएंगे। इंसान से बड़ी ताकत दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने तो जरूर सफल होगा। बहुत आभार।